सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से बताओ, रैपिड फायर राउंड खेलते हैं यहां पे हम, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। प्लेयर से एक टीम बनती है तो मिनिस्टर से क्या बनता है, जल्दी बताओ। प्लेयर्स को मिलाकर एक टीम बनती है तो मिनिस्टर से क्या मिलता है। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए, 200 लाइक्स अभी के अभी पहुंचाइए। सभी स्टूडेंट जैसे सेशन को लाइक करेंगे, ऐसे और लेक्चर्स आपके पास यूट्यूब फीड पे आने शुरू हो जाएंगे। टीचर को मोटिवेशन मिलता है, मनोबल मिलता है कि भैया आज तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा के जाना ही है। स्टार्ट करें। प्लेयर से टीम बनती है तो मिनिस्टर से क्या बनता है, प्लेयर से टीम बनती है तो मिनिस्टर से क्या बनता है, काउंसिल। भाई अ टीम इज मेड अप ऑफ प्लेयर्स, अ टीम इज मेड अप ऑफ प्लेयर्स एंड अ काउंसिल इज मेड अप, यहां पे काउंसी नहीं होना चाहिए, काउंसिल होना चाहिए। अ काउंसिल इज मेड अप ऑफ मिनिस्टर्स, यहां पे होना चाहिए काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। सी फॉर कैलकटा इज राइट आंसर, बढ़िया जी, सी फॉर कैलकटा बिल्कुल सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी फॉर कैलकटा बिल्कुल सही है। ट्रैक इज रिलेटेड टू MECTV, देखो क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान से समझो, TRACK, ये है ट्रैक और ये है MECTV। यहां पे क्रिस क्रॉस, एक हिंट मैं तुम्हें दे देता हूं, क्रिस क्रॉस करके चला करो, कभी कभी आंसर क्रिस क्रॉस से निकलता है। वेरी गुड, गुड अटेंडेंस, बस सेशन को लाइक कर दिया करो, लाइक करने से तुम्हारे पास ऐसे और लेक्चर्स यूट्यूब पे आते हैं। मेरे अलावा भी आपको CVT की तैयारी कोई ना कोई करवा रहा होगा, उसके यूट्यूब को कैसे पता कि आपका अभी आने वाला है 15-16 को एग्जाम। अच्छा मैं बता दूं, डेट शीट NTA को मैं फोन मिला रहा हूं इसके बाद, ध्यान से समझो, इसके बाद मैं NTA को फोन मिला रहा हूं, और डेट शीट आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे जुड़े हुए हैं, यस और नो, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना क्योंकि वहां आने वाली है डेट शीट। अब डेट शीट सबसे पहले मैं आपके पास लेके आऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है आज एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आ सकती है, आई एम जस्ट प्लानिंग होपिंग। मैं तो NTA को फोन मिला रहा हूं, उसके बाद जैसी कोई अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हो क्या रहा है यहां पे, TUV, टी का एक छोड़ के वी आ गया, RST, आर का एस छोड़ के टी आ गया, AB छोड़ के सी आ गया, CD छोड़ के ई आ गया, और देखो KL छोड़ के एम आ गया, एक छोड़ के एक और क्रिस क्रॉस, एक छोड़ के एक और क्रिस क्रॉस हो रहा है, एक छोड़ के एक और क्रिस क्रॉस हो रहा है। तो यहां पे पॉन्ड पे ये सेम लॉजिक लगा दो एक बार, एक छोड़ के PQR लास्ट में आना चाहिए, OPQ यहां आना चाहिए, NMNOP यहां आना चाहिए, PQR है कहीं, PQR भाई राइट आंसर इज सेकंड, बी फॉर बॉम्बे से राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन डन हो गया भाई, सेकंड क्वेश्चन बी फॉर बॉम्बे डन, आगे मूव ऑन करें। चलो भाई 850, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो, गुड क्वेश्चन है। एनालॉजीज की आज मैं एक क्लास लेके आ रहा हूं, एनालॉजीज कह रहा हूं, सिलोजिज्म्स की, सिलोजिज्म की क्लास आप सबकी डिमांड थी, मैंने फाइनली सिलोजिज्म के 4 केस होते हैं, वो 4 केस मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आज रात तक आ जाएंगे। जिन जिन स्टूडेंट को सिलोजिज्म में प्रॉब्लम हो रही थी अब प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सिलोजिज्म के 4 केस हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइव सेशन में लूंगा। 400 स्कोर इंग्लिश और GT मिला के कैसा रहेगा, 400 स्कोर इंग्लिश और GT मिला के 500 में से 400 डिसेंट स्कोर है, नॉट वेरी ग्रेट गोल्डन। नॉर्थ कैंपस कंफर्म नहीं करता ये, शहीद सुखदेव कंफर्म नहीं करता, थोड़ा सा और चाहिए इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन था बट गोल्डन वर्ड्स का कि सर इंग्लिश और जनरल टेस्ट में मिला के, मतलब जनरल टेस्ट तो 300 मार्क्स का है, इंग्लिश मेरा 200 मार्क्स का है, इन दोनों में मिला के अगर मेरे 400 आ गए तो कैसा रहेगा, डिसेंट है, साउथ कैंपस कंफर्म्ड है, नॉर्थ कैंपस नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी टफ है। ये देखो, ये देखो बहुत बढ़िया, फोर केसेस होना चाहिए यहाँ पे। देखो 850, 863 में क्या हो रहा है, 8+5+0 कितना होता है भैया बता दो, 13 होता है नहीं होता, 8+5+0 कितना होता है, 13। अगर मैं 850 के अंदर 13 ऐड कर दूंगा तो 863 आ जाएगा, 863 यस और नो, तो ये कितना हो गया भाई, 850 के अंदर अगर मैं 13 ऐड कर दूंगा तो 850 के अंदर मैं अगर +13 ऐड कर दूं, इनका सम ऑफ डिजिट्स ऐड कर दूं तो मेरे पास फाइनल आंसर 863 ये आ गया। सिमिलरली 430 के अंदर 4+3+0 कितना करोगे, 430 के अंदर 7 ऐड करना है, A for Ahmedabad 437 इज राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया सबको, क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज 437। 430 में क्या ऐड किया, 4+3+0 4, यहां पे देख लो 4+3+0 इज इक्वल टू 7 हो गया, 7 में 430 ऐड किया तो 437 इज राइट आंसर, ए आपका आंसर आ जाना चाहिए अभी तक, ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, आगे मूव ऑन करें। चलो भाई
क्या ऑल्टरनेटिव यहां पे ऑड वन आउट निकालना है, ऑड वर्ड निकालना है, जल्दी से इसका ऑड वर्ड निकालना, जरा जल्दी से इसका ऑड वर्ड निकाल दो। कॉटन, मस्टर्ड, पीज या सीजेन। यार देखो, मस्टर्ड, पीज और सीजेम, ये तीनों चीजें खाई जा सकती हैं, एडिबल है, कॉटन को खाया नहीं जा सकता। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। यहां पे लिख लो, एक्सेप्ट कॉटन ऑल अदर्स आर एडिबल एलिमेंट्स, एडिबल थिंग्स, मस्टर्ड, पीज, सीजेम खाई जाती हैं, कॉटन नहीं खाई जाती, बाकी सब एडिबल है, कॉटन इज नॉन एडिबल। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद, कॉटन इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे मूव ऑन करें। इन द फॉलोइंग सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑड बताना है, ये सब कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, आपको सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है, वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जो वो पैटर्न फॉलो नहीं करने वाले। जैसे वेरी गुड, कॉटन इज राइट आंसर। सी एक्स ए, देखो क्या चल रहा है यहां पे, सी का ऑपोजिट एक्स होता है। यार ये तो तुम्हें रट्टा होना चाहिए कि भाई ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट कितना होता है वाई, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, फिर डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, एंड सो ऑन। ऑपोजिट का मतलब मैंने बता रखा है भाई, 26 लेटर होते हैं, 26 में से 13 का तुम ब्रेकअप बना सकते हो। ए के ऑपोजिट ए सबसे पहला, सबसे लास्ट जेड, तो ए का पेयर होता है जेड, बी का पेयर होता है वाई, बी का पेयर होता है वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ये पता होना चाहिए। एम का पेयर होता है एन, क्यों, एम का ऑपोजिट एम इज 13 फ्रॉम स्टार्ट और एन इज 13 फ्रॉम लास्ट, तो देखो एम एन का एक पेयर है। सी एक्स मतलब सी के ऑपोजिट एक्स आता है, और सी के ऑपोजिट जब एक्स आता है ना, देखो यहां पे क्या चल रहा है, ए बी छोड़ के सी, या ये छोड़ो या ये छोड़ो, ये देखो इसमें कोरिलेशन क्या आएगा, ये देखो एक्स और ए में एक्स एक्स वाई जेड ए दो छोड़ के, तो यहां पे प्लस थ्री करा, प्लस थ्री करके मेरे पास आ गया, सी और एक्स तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, एक्स और ए प्लस थ्री करके मेरे पास आंसर यहां पे आ गया। अभी तक तो मेरे को ये लॉजिक दिख रहा है। एम एन क्यू देखो, एम एन क्यू क्या बोल रहा है, एम का ऑपोजिट एन सही है, एन ओ पी फिर प्लस तीन करके मेरे पास कितना आ गया, क्यू आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। पी के एन देखो, पी के एन, पी का ऑपोजिट के होता है, बिल्कुल सही है, के एल एम एन आ गया, फोर्थ मेरे ख्याल से फोर्थ विल बी द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। बताता हूं क्यों, क्योंकि यहां पे एच और एस, ध्यान से समझना, H और S तो यहां पे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल सही है, फोर्थ इज द राइट आंसर, पहले बता देता हूं यहां पे, फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। H और S एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, बट S और U में देखो, S T U सिर्फ एक का डिफरेंस है, या मतलब सिर्फ दो का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस, यहां पे तीन का डिफरेंस चाहिए, तीन का डिफरेंस चाहिए, तो तीन का डिफरेंस नहीं है, हेंस S H S U इज द ऑड वन आउट, H S U इज द ऑड वन आउट। डी फॉर डेली होना चाहिए, सी नहीं है, अगर आप सी आंसर अभी भी दे रहे हो तो मतलब आप समझा ही नहीं। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स बी और सी आंसर दे रहे हैं, मैंने पूरा लॉजिक समझाने के बाद भी अगर आपको ये आंसर नहीं आया, इसके मतलब आपने ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन के ऊपर। सी डी इज द राइट आंसर, एच एस यू इज द राइट आंसर, डी फॉर डेली, क्वेश्चन फाइव, डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। ये देखो, पहले सी और एक्स ऑपोजिट लेटर्स हैं, फिर एक्स और ए प्लस थ्री हुआ, एम एन, एम और एन ऑपोजिट लेटर्स हैं, फिर एन में प्लस थ्री हो गया, फिर P और K ऑपोजिट लेटर्स हैं, फिर इनमें प्लस थ्री हो गया, फिर H और S ऑपोजिट लेटर्स हैं, फिर इनमें प्लस टू हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात खत्म हो गई, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन, लिख लो। ये सारे सारे जितने मैं लेके आ रहा हूं ना, डिफिकल्टी लेवल इनकी अच्छी है, ऑसम क्वेश्चन है, दिमाग तुम्हारा लगेगा। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए, 200 लाइक्स हम यहाँ पे एम करके चल रहे हैं, अभी कभी 200 लाइक्स कीजिए, लाइक्स करोगे सेशन को तभी तुम्हारे पास और ऐसे लेक्चर्स आने शुरू होंगे, आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। हम हर रोज दोपहर को 12 PM मेरी न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास होती है, कल नहीं हुई थी बट कल रात को मैंने 8 PM आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास ले ली थी, आज 12 PM है। हर रोज आपके पास आज से लेकर सैटरडे तक, ध्यान से समझना, आपको ना ही मेरी सैटरडे तक ना ही मेरी इंग्लिश की क्लास मिस करनी है, ना न्यूमेरिकल एबिलिटी की। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास सुबह 10 AM होती है, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास हमारी होती है दोपहर को 12 बजे। सभी स्टूडेंट्स को रेगुलरली ज्वाइन करनी है। टॉप 1000 रैंक इन CUET, रैंक कुछ नहीं होता सौरभ राज, रैंक नहीं आएगी CUET में, आज मैं आपको फैक्ट बताता हूं। जो बोलता है कि आपकी रैंक आएगी, रैंक नहीं आएगी, ये मत बोलना सर आपने बोला था। देखो, हर रोज देर आर न्यू चेंजेस, आज मैं आपको बता रहा हूं रैंक नहीं आएगी CUET के अंदर, आपका एक स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड पे एक मेरिट बनेगी, वो मेरिट डिपेंड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करना चाह रहे हो। हो सकता है आपकी रैंक, लेट्स से BHU का एक कोर्स है BCOM, उसमें आपकी रैंक लेट्स से 2 हो, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी जो रैंक हो सकता है वो 20,000 हो, तो रैंक विल रेंज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मेरिट आएगी रैंक नहीं आएगी। मेरिट का मतलब होता है मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स के कैलकुलेशन के ऊपर आपका एडमिशन हो रहा होगा।
अब बीएचयू में कंपटीशन कंपेरेटिवली कम है, तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यार वहां पे जो आपके मार्क्स होंगे उनकी वैल्यू कम होगी वर्सेस जो तुम्हारे बीएचयू में जो आपके मार्क्स की वैल्यू वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। बट इसके चक्कर में बीएचयू को मत लेने लग जाना ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका हमेशा टारगेट रहना चाहिए ओवर बीएचयू, क्योंकि यही दो है, ध्यान से समझना, यही दो चीजें होती हैं, यही दो चीजें होती हैं जो मैटर करने वाली है आपकी, मतलब ये दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काफी पॉपुलर हैं और इनमें लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा टारगेट होना चाहिए। क्या आंसर आया इसका, किसी का आया डी, देखो 6D रॉन्ग है आंसर, और बताओ डी रॉन्ग है, और भी कोई तुक्का लगा ले मेरे भाई, मोटिवेशन लेजेंड बिल्कुल सही है, सत्यम मिहिर बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है डी, डी वाले सारे सारे रॉन्ग हैं, क्योंकि आप तुक्का लगाने में विश्वास करते हो इसलिए आप रॉन्ग हो, क्योंकि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हर रोज इसलिए आप रॉन्ग हो, क्योंकि आपने अभी तक सीवीटी के जनरल टेस्ट को हलवा ले लिया है एनटीए का मॉक देख के, इसलिए आप रॉन्ग हो, ठीक है जी, रॉन्ग हो आप अगर आप फोर्थ आंसर दे रहे हो। समझाता हूं क्या लॉजिक है, क्या है भाई ध्यान समझो, 6 × 4 = 24, मैंने क्या किया पहले 64 को किया, 64 में 6 × 4 कर लिया 24, अब 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, यस और नो, ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल सही लॉजिक बन गया, ये लॉजिक मैं कहीं और जगह अप्लाई कर सकता हूं, ये देखो 7 + 1 = 7 × 1, पहले 6 × 4 किया, अब मैं क्या करूंगा 7 × 1 कितना होता है भाई 8, 8 का अगर मैं स्क्वायर करूं, 8 का स्क्वायर करना है ना, सॉरी 7 × 1 मतलब 7, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ये तो 7 का क्यूब है, फिर भी देख लेते हैं और क्या लॉजिक बैठ रहा है इसमें, देखो 7 × 2 = 14, 7 × 2 कितना होता है भाई 14, 14 का स्क्वायर 196, 3 × 2 कितना होता है 6, 3 × 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, तो राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, यहां तो 49 आना चाहिए था, इन्होंने क्यूब कर दिया, यहां आना चाहिए था 49, यहां लिख दिया इन्होंने इसका क्यूब, इसका स्क्वायर आना चाहिए था, तो राइट आंसर इज ऑड वन आउट इज बी फॉर बॉम्बे, 17343 इज द राइट आंसर, 17343 इज एब्सोल्युटली राइट, आगे आ जाए, चलो भाई इसको डिक्शनरी में अरेंज कर दो जल्दी से, डिक्शनरी में प्यारे बच्चों जल्दी से अरेंज कर लो, पहली बात तो वाई ए आना चाहिए, वाई ए 132 से स्टार्ट होनी चाहिए, या तो 1 से स्टार्ट होगी या 3 से, 2 से, 5 से स्टार्ट होने की नहीं, अच्छा बता दिया ना भाई 3 से स्टार्ट होगी, सॉरी 2 से स्टार्ट होगी, देखो ऑप्शन में बचे गया 2, तो मतलब 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 के बाद क्या आएगा हमारा आंसर उससे आ जाएगा, 2 के बाद तो 3 आना चाहिए ना, 2 के बाद तो 3 आना चाहिए, तो राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, देखो मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया पूरा, मैंने तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर निकाल दिया, 2 के बाद 3 आना चाहिए क्योंकि 4 तो वाई ओ है, पहले वाई ए वाले को तो खत्म कर लूं भाई, 23145 इज द राइट आंसर, सी फॉर कलकत्ता, सॉरी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, 23145 इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे सबका आंसर सही है, आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर निकालें, जैसे जैसे मैं रैपिड फायर लेकर जा रहा हूं आपके साथ, आपका कर्तव्य इतना बनता है यहां पे जल्दी आंसर आने चाहिए अपने, आगे आंसर आगे मूव ऑन करें, चलो भाई बहुत बढ़िया, क्या निकालना है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज, ए के 12, जी वी 29, एल एफ 18, पी ओ डैश, क्या लॉजिक बैठेगा जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या होगा, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, ओके डन डन डन, सेट प्रीसेट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ 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 इसका आंसर क्या होगा भाई, ए और के क्या है, एक बार तुम्हारे चार्ट्स देख लूं मैं, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 31 इज द राइट आंसर, पी इज इक्वल टू ये सबसे पहले ज्योतिर, चलो 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 16 + 15 वेरी गुड, देखो क्या हो रहा है, ए और के क्या होता है, पहली बात तो ए और के, ए 1 होता है के 11 होता है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो राइट आंसर इज 12, ए 1 के 11 दोनों को मिला के 12 आ गया जी, खत्म कहानी, ठीक है खत्म कहानी, जी वी, जी वी क्या होता है, जी और वी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी हो गया यहां पे 7, जी जल्दी बताओ क्या होता है, जी जी को क्या लिख सकते हो, जी को लिख सकते हो 7, ये होता है 22, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, जी वी 29, तो यहां पे 29 आ गया, एल एफ में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा, एल एफ में सेम लॉजिक अप्लाई होगा, एल एफ में क्या आएगा 12 + 6,
एल और एफ में एल की वैल्यू 12, एफ की वैल्यू 6, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। पी ओ क्या होता है? पी ओ होता है 15 और 16, पी ओ होता है 15 और एम एन ओ पी, ओ हो गया 15 और पी हो गया 16, इन दोनों को ऐड करोगे तो 31। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 31 इज राइट आंसर, पी ओ 31 इज एब्सोल्युटली राइट, राइट आंसर क्वेश्चन 8 का बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाओ। अच्छा, इन द फॉलोइंग सीरीज सेलेक्ट द मिसिंग नंबर, ये क्वेश्चन मार्क फिल करना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस देखो क्या है, देखो 21, 26, 33, 42, 53 डैश, ये देखो इसमें डिफरेंस क्या है, 5 का डिफरेंस आ गया, ये कितना, 7 का डिफरेंस आ गया, 9 का डिफरेंस आ गया, 11 का डिफरेंस आ गया, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 कितना होता है भाई 13, तो इसमें अगर मैं 13 ऐड कर दूंगा तो 64 आ जाएगा, येस और नो? 64 तो आंसर ही नहीं है। और बताओ, 5 का डिफरेंस, फिर 4 और 7 का डिफरेंस, फिर 8 और, अच्छा ये 7 नहीं है, ये 11 का डिफरेंस है, सॉरी हमसे गलती हो गई भाई, ये 11 का डिफरेंस होगा, ये तो 11 का डिफरेंस है, 7 यहां ऐड करोगे, नहीं नहीं नहीं, ये 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9 का डिफरेंस है, ये 11 का डिफरेंस है, तो हमारा 13 का डिफरेंस, तो 66, अच्छा 66 इज द राइट आंसर, 53 प्लस 13 अगर मैं करूंगा तो 66 आएगा, राइट आंसर सी फॉर कैलकटा, 66 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी फॉर कैलकटा इज द राइट आंसर। आगे आ जाए, देखो यहां पे डिफरेंस 5, 7, 9, 11, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे आ जाओ, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पंकज एंड पुनीत इज 5:6 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 33, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, व्हाट विल बी द डिफरेंस, पहली बात तो ये समझ आ गया होगा, सम प्रेजेंट एज इतना है, सम ऑफ देयर एजेस इज, ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं यहां पे पंकज की एज, पंकज भैया की एज हमने ले ली 5x, यहां पे पुनीत भैया की एज हमने ले ली 6x, 5x प्लस 6x 11x, 11x इज इक्वल टू 33, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है x का, तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 3 आ गई, राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। अब तुम ये करोगे भाई x की वैल्यू 3 आ गई तो पंकज की एज 15 हो गई, इसकी 18 माइनस 15 तब भी आंसर 3 होगा, अरे पहले ही डिफरेंस कर लो ना, 6x माइनस 5x क्या होता है, 6x माइनस 5x x होता है, x की वैल्यू निकाल लेती, x की वैल्यू 3 आ गई, राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे आ जाओ, इजी क्वेश्चन था, कृतिका वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अच्छा ये क्या करना है, फाइनल पोजीशन, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कृतिका वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ देन टर्न्स टू हिज राइट एंड राइट्स, अच्छा पहले साउथ जा रही है फिर यहां से अपने राइट मुड़ गई, देन टर्निंग टू हर लेफ्ट फिर दोबारा लेफ्ट मुड़ गई, 50 मीटर चली, अच्छा पहले यहां पे 40 चली होगी, यहां पे पहले ये 40 चली, फिर यहां पे ये 30 चली, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, सब सही है, यहां पे 30 चली, फिर उसके बाद दोबारा वो राइट मुड़ गई और उसने यहां पे 50 मीटर चला, अगेन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड राइट 30 मीटर, अगेन वो यहां से अपना लेफ्ट चली गई, देन टर्निंग टू हर राइट, टर्निंग टू हर लेफ्ट, अच्छा थोड़ा सा यहां पे हमने फिगर गलत बना दी, दोबारा बनाते हैं इसको, एक बार दोबारा बनाते हैं, देखो कृतिका वॉक्स यहां से स्टार्ट करी 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ चली, यहां से देन टर्निंग टू हर राइट, यहां से राइट मुड़ी होगी तो 30 यहां चली, देन टर्निंग टू हर लेफ्ट फिर दोबारा यहां पे चली 50, ओके फिर दोबारा अपने देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट और दोबारा यहां पे पहुंच गई, तो ये देखो ये पैरेलल आ गई क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 डिस्टेंस था, ये भी 30 डिस्टेंस था, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है भाई 40 यहां दूर है, ये 50 दूर है, राइट आंसर इज 40 प्लस 50 90 इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली 90 इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे आ जाए, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, कंसोलिडेट का कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं किया जा सकता, कंसोलिडेट से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं किया जा सकता, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, which cannot be formed using the letters of the given works, console तो आराम से किया जा सकता है, onset भी आराम से किया जा सकता है, salty आराम से किया जा सकता है, solid भी आराम से किया जा सकता है, salty why नहीं दिख रहा यार मुझे, तो C is the right answer, क्योंकि salty में देखो salty ये why नहीं है ना, समझ गए मेरी बात, why है ही नहीं इसके अंदर, तो भाई C for Calcutta is the right answer, why है ही नहीं इसके अंदर, C for Calcutta नहीं किया जा सकता क्योंकि consolidate के अंदर why नहीं है। 13 question पे आ जाओ, rapid fire खेलें आगे, आ जाओ भाई, अच्छा in a certain code stubborn is written as this, how is shipping written as, पहली बात तो stubborn is written as this, oh very good question, ये देखो stubborn, stubborn is written as vutaaosp, stubborn
बी ए बी ए बी ओ ओ ओके ओ एस पी आर एस ठीक है आर एस पी क्यू टी यू टी यू टी यू यू टी यू टी मैं बस थोड़ा सा ऐसी अपने अपने दिमाग में कर रहा था इसको। एस को वी लिखा हुआ तो यार एस को वी लिखा होना चाहिए ना। चलो ये तो लॉजिक नहीं है मतलब तूने सर्टन कोड। अच्छा ये लॉजिक है तुम्हें शिपिंग कैसे लिखनी है जल्दी से आंसर बता दो। यस मैं आपने कोर्स कर रही हूं हर्ष ओके जी इसका आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा इसमें यार जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होना देखो लॉजिक समझो। एस वी लिखा गया हो अगर ध्यान समझना अगर एस वी लिखा गया हो तो यहां भी शिपिंग वी से स्टार्ट होना चाहिए था तो मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है ये बात। जब ऐसा लिखा हो तो कोई ना कोई घपला है। ये देखो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तुम्हारे पास लाइफ के अंदर ऐसे वर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश किया करो और कोई ना कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश किया करो। देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कितने हो गए 3 + 3 6 7 8। इसको मैं अगर ब्रेक करूं इसको मैं एकदम इसके नीचे लिख के देखूं तो क्या आएगा देखो एस टी यू है एस टी यू है तो वी यू टी ए ए ओ एस पी ये सुन लो यहां पे ये देखो ये ब्रेक कर दिया ये ब्रेक कर दिया। अब कुछ नहीं करना अगला जाना है ये देखो कुछ भी नहीं करना अगला जाना है बस ये देखो एस के आगे टी टी के आगे यू यू के आगे वी बात खत्म। ये ऊपर जा रहा है ए बी ए बी फिर क्या हो रहा है यहां पे ओ पी आर एस एन ओ। लॉजिक समझ आया क्या हो रहा है बहुत बढ़िया लॉजिक अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब शिपिंग में देखो एस एच आई पी पी आई एन जी ये देखो मैं क्या कर रहा हूं इसमें पहले तो मैं ब्रेक ही कर दूं। एस के आगे क्या आना चाहिए एस के आगे टी आना चाहिए तो यहां टी आएगा। देखो सेंटर में टी कहां है सिर्फ एक ही जगह राइट आंसर इज फोर्थ इज राइट आंसर। एच के आगे आई आना चाहिए आई के आगे जे आना चाहिए जे आई टी से स्टार्ट होगा जे आई टी सिर्फ एक ही जगह है राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा देखो ओ पी ओ पी ये देखो ओ पी ओ पी ओ आना चाहिए ना इसके नीचे ओ से पी जा रहा है ओ से पी जा रहा है। आई जी के आगे आना चाहिए एच एन के आगे क्या आना चाहिए ओ आई के आगे आना चाहिए जे तो जे आई टी ओ ओ एच ओ जे इज द राइट आंसर डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है डी फॉर दिल्ली 13 का डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। आगे मूव ऑन करें आगे आ जाओ करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग जल्दी से बताओ क्या इंटरचेंज करोगे जिसमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। RHS को तो मैं बदल नहीं सकता RHS तो 33 है सिर्फ मैं LHS को बदल सकता हूं। LHS इसमें क्या है 7 × 6 + 5 − 4 सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल से आ सकता है। 33 को चेंज मत करना ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट है ना सिर्फ इसको आपको चेंज करना है। आंसर बता दो जल्दी से ये देखो पहले तो ये बोल रहा है माइनस और प्लस को सिर्फ हिट एंड ट्रायल से हो सकता है 4 और 5 को रिप्लेस करके देख लेते हैं। पहले तो 7 6 4 और 5 को यहां आ गया 4 यहां आ गया 5 मल्टीप्लाई को माइनस लिख देंगे यहां पे प्लस ऐसे कैसे आएगा यहां मल्टीप्लाई लिख देंगे क्या आएगा 7 − 6 1 + 20 21 आएगा भाई इससे ये तो आंसर नहीं है। आगे मूव ऑन करो ऐसे हिट एंड ट्रायल से करके देखो कौन सा आंसर आ रहा है फर्स्ट से नहीं आया एक बार लास्ट से करके देखूं मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज करके 5 और 6 तो मल्टीप्लाई माइनस हो गया ये 5 आ गया यहां 6 आ गया यहां प्लस आ गया यहां मल्टीप्लाई आ गया यहां 4 आ गया 7 − 5 7 6 4 = 24 24 + 2 कितना आ गया 26 आ गया ये भी आंसर गलत है। सी बी एस सी में से एक आंसर है जल्दी दिखाओ बी एस सी में से मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं इसको प्लस माइनस चेंज कर लो। अच्छा यहां पे प्लस माइनस चेंज करेंगे तो यहां पे 5 आ जाएगा -6 आ जाएगा +4 आ जाएगा 7 5 = 35 − 2 = 33 इज राइट आंसर। सी फॉर कैलकटा इज राइट आंसर हिट एंड ट्रायल से हो सकता है और कोई उपाय नहीं है हिट एंड ट्रायल सी फॉर कैलकटा तनीषा का सबसे पहले सही आंसर आया बहुत बढ़िया सी फॉर कैलकटा इज राइट आंसर प्लस माइनस और 5 6 इन दोनों को चेंज किया सभी स्टूडेंट समझ ले मेरी बात। इसके बाद 1 PM आपकी क्लास होने वाली है अकाउंटेंसी की आज क्लास है 1 PM 2 PM मेरी इकोनॉमिक्स डोमेन टेस्ट की क्लास है 3 PM फिजिकल एजुकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो इसके बाद आपकी 1 PM से लेकर 3 PM रेगुलर 4 PM तक आपके पास रेगुलर क्लासेस हैं सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेना। ये मत समझना सर इसके बाद तो हमारा काम खत्म हो गया जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज की हमने क्लास कर ली पूरे दिन आज लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट होने वाली है 3 से 4 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस है और रात को नंदिनी मैम की करंट अफेयर्स की क्लास भी होगी उसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा कोई भी लाइव क्लास मिस नहीं करेगा। सर पे आ गया एग्जाम 10 दिन बाद हमारा एग्जाम है सी फॉर कैलकटा इज राइट आंसर आगे आ जाओ बहुत बढ़िया कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं अच्छा क्वेश्चन है देखो क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है 3@3 * 3 = 3 ओके 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 तो 52 4 3 = 12 नाइस। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे ना एट द रेट का कोई मतलब होगा, ये जो एस्ट्रिक इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, इसका कोई ना कोई मतलब होगा। ये दो इक्वेशन जब दे दी उससे कुछ रिजल्ट आया तो तुम्हें एट द रेट और मल्टीप्लाई ये एस्ट्रिक का कोई ना कोई साइन का मीनिंग समझ आ जाएगा, तो ये सेम मीनिंग तुम्हें यहां बताना है। जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर कंप्यूटर की क्लास करवा दो। देखो कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यूज तो अवेलेबल है हमारे पास, इसके पर वीडियो मतलब हर एक वीडियो का जो लेक्चर आप चाह रहे हो उसका एक बार मेरे को पूछना पड़ेगा, बट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस और जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसके एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल है। सभी स्टूडेंट जो जो डी दे रहे हैं अपना आंसर, सभी स्टूडेंट जो अपना आंसर डी दे रहे हैं सब गलत है। नहीं नहीं डी वाले सही है, सॉरी डी वाले बिल्कुल सही है। डी 14 14 14, बहुत बढ़िया, 14 इज द राइट आंसर, 14 भाई जिस जिसने दिया बिल्कुल सही है, प्राउड ऑफ यू प्यारे बच्चों। डी फॉर डेली इज एब्सोल्युटली राइट, डी फॉर डेली इज एब्सोल्युटली राइट। देखो क्या हो रहा है, 3@3 * 3 को क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो क्या लिख सकते हैं, 3 / 3 * 3, जहां पे हम इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं भाई एट द रेट का मतलब है डिवाइड कर दो, यहां पे एस्ट्रिक ये रहा ना एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब है मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले डिवाइड होता है ना, तो 3 / 3 = 1 * 3 कितना आ गया भाई, ये देखो RHS आ गया, 3 आ गया, काम खत्म। दोबारा एक बार दोबारा दिखा देता हूं, और क्या हो रहा है यहां पे, 48 @ को मैंने क्या बोला डिवाइड कर दो 4, ये एस्ट्रिक को मैंने क्या बोला मल्टीप्लाई कर दो 3। बोर्ड मास में याद रखना मल्टीप्लाई बाद में होता है डिवाइड पहले होता है, तो पहले डिवाइड करेंगे 48 / 4 12 * 3 कितना आ गया भाई 36, बहुत बढ़िया। देखो 4 5 6 चीजें लगती हैं एट मैक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस स्क्वायर और क्यूब। दोबारा बता देता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस स्क्वायर और क्यूब, सिर्फ ये 4 से 6 चीजें लगती हैं और कुछ नहीं लगता। 91 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 2, पहले तुम बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अरे बोर्ड मास याद है, नहीं याद है डिवाइड पहले होता है, तो 91 डिवाइडेड बाय 13 into 2 ये कितना आ गया भाई 7 सा 7 into 2 14 is the right answer, D for Delhi is the right answer, 14 is absolutely right। आगे move on करें, चलो क्या करना है, ये missing figure निकालनी है, ये question mark निकालना है, इसका answer बता दो। इसका answer तो यार लड्डू कोई भी कर लेगा, ऐसा answer है इसका, कोई भी इसका answer निकाल देगा, ऐसा answer है। एक logic समझो, एक logic समझो, 12 * 13 = 156 होता है, yes or no? 15 * 13 = 195, यार ये तो 8th क्लास का बच्चा कर ले, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, यस और नो? सेशन को लाइक करो, यहां पे हमारा टारगेट है 500 लाइक्स, और अभी के अभी जैसे ही आप सेशन लाइक करोगे आपके पास ऐसे और लेक्चर्स आने भी शुरू होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ये सारी की सारी पीडीएफ मैं अपलोड कर चुका हूं लर्न कोर एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम ग्रुप पे क्लास का नोटिफिकेशन आता है। यहां पे ना ये जितनी पीडीएफ तुम देख रहे हो यूट्यूब पे, ये लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे स्टोर सेक्शन में जाना, फ्री बैचेस में ये सारी पीडीएफ विद सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाया करती है आपके पास। ए ए ए यार खुद लॉजिक लगाओ, यहां पे क्या है 15 * 3 = 195, यस और नो? 15 * 3 = 195, तो यहां पे 14 * 11 अगर मैं करूंगा तभी तो हमारे पास ए फॉर अहमदाबाद इज राइट आंसर। क्यों 14 * 11 कितना होता है 154 इज राइट आंसर, तो यहां पे मैं 11 पुट करूंगा तभी तो आंसर आएगा, 11 पुट कर दिया यहां पे क्वेश्चन मार्क में 11, 14 * 11 = 154, राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद, ए इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, कहीं बार सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, तुम इस सवाल को कितना इग्नोर कर लो। अब मैं ट्रायंगल्स के कम से कम तुम्हारे पास 100+ फिगर्स ऑलरेडी लाइव क्लासेस के थ्रू लेके आ चुका हूं, पिछले 2 से 2.5 महीने में तो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी हर रोज मैं करवा रहा हूं, हर रोज 1 से 2 क्वेश्चन हम ट्रायंगल के करते हैं, तो यहां पे यार कितने ट्रायंगल्स हैं ये तो तुम गारंटी लगवा लो आएगा ही आएगा। ये जो मिक्स जंबल्ड क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूं ये आएंगे आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे इजी भी हो सकते हैं, इससे एक नॉच ऊपर भी हो सकते हैं, एक नॉच ऊपर की मैं गारंटी ले रहा हूं नहीं आएंगे, पूरी कोशिश हमने यहां पर लगा दी है, पूरा एफर्ट मैंने यहां पर लगा दिया, तुम इसका आंसर बताओ कैलकुलेट करके। बहुत बढ़िया, 14 * 11 = सही है 154,
इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, फिर मैं उसका सोल्यूशन तुम्हें बताऊंगा। विजुलाइज, विजुलाइजिंग इज द ओनली मेथड इन दिस। सिर्फ विजुलाइज आपको करना है और कुछ नहीं करना। मास मीडिया की क्लास, ठीक है नंदिनी दुबे, निकिता चौधरी, आप दोनों ने रिक्वेस्ट करी है, मेरा पूरी कोशिश रहेगी। चलो, प्रॉब्लम है ट्राइंगल में। अनिमेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राइंगल में, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी है आप ये क्वेश्चन स्किप कर देते हो। ये अप्रोच मारी जा रही है तो गलत ना हो जाए, हो जाते हैं मेजोरिटी स्टूडेंट्स के गलत, मैं ये भी अग्री करता हूं, बट अभी गलत नहीं होने चाहिए। स्टार्ट करो इसको। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितने ट्राइंगल्स है। देखो जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊं, देखो जैसे ये एक ट्राइंगल बन गया, ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, सिमिलरली ये एक ट्राइंगल बन गया। एक बेस से, एक बेस उठाया करो, मान लो ट्राइंगल ऐसे बनता है ना, तो ये ना ये जो बेस है, ये बेस उठाया करो, इससे जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं बना दिया करो तुम। अब जैसे देखो इस बेस को लेकर एक ट्राइंगल ये बन रहा है सिर्फ, बट इस बेस को लेकर देखो क्या ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, फिर सिमिलरली एक ट्राइंगल ये बन गया, तो ऐसे कितने ट्राइंगल होंगे। द राइट आंसर इज सी फॉर कैलकटा, 10 इज द राइट आंसर। 9 नहीं है इसका आंसर, ज्योतिर का आंसर बिल्कुल सही है, 10 इज द राइट आंसर, 10 इज एब्सोल्युटली राइट। 10 कौन कौन से हैं उसका भी मैं आपके पास पूरा सोल्यूशन लेके आया हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, तीन तक गिनती, 3 2 1, दोबारा ले लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो यार निकिता, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1, ये 10 ट्राइंगल्स आपके पास बनेंगे। राइट आंसर इज 10 इज द राइट आंसर, 10 ट्राइंगल्स आपके पास बनेंगे, राइट आंसर इज 10 इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ, सिलोजिज्म का बढ़िया क्वेश्चन है, सिलोजिज्म की मैं क्लास लेके आ रहा हूं, इससे पहले ये क्वेश्चन करो, ऑल पर्सेज आर लेदर, जितने भी लेदर हैं सारे पर्सेज हैं, ये लेदर हो गया ठीक है जी, और ये क्या हो गया पर्सेज, ये लेदर हो गया, ये पर्सेज हो गया ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, नो पर्सेज क्लोथ, कोई भी पर्स क्लोथ नहीं है, तो क्लोथ यहां आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहा है, नो लेदर इज क्लोथ, नो लेदर इज क्लोथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ध्यान से समझना, नो लेदर इज क्लोथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्यों, क्लोथ को मैं यहां भी तो बना सकता हूं, क्लोथ को मैं यहां भी तो बना सकता हूं, तो इट माइट हैपन इट माइट नॉट हैपन, ये हमेशा ट्रू नहीं करेगी, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं करेगी। सम लेदर आर क्लोथ, ओके सम लेदर आर क्लोथ, देखो यार एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट वन और टू साथ में कभी नहीं होंगे। लेट्स से मैं बोल दूं नो लेदर इज क्लॉथ, उस केस में क्या फिगर बनेगी, नो लेदर इज क्लॉथ में ये फिगर बन जाएगी, ये देखो नो लेदर इज क्लॉथ में ये फिगर बन जाएगी, ये रहा क्लॉथ, नो लेदर इज क्लॉथ में ये फिगर बन जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट सम लेदर आर क्लॉथ फिर ये स्टेटमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगी। सम लेदर आर पर्सेस, कुछ लेदर पर्सेस हैं, ये तो सही है भाई, थर्ड वाली तो डेफिनेटली सही है, मेरे ख्याल से राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। अच्छा वन और टू के साथ है, या तो वन एग्जिस्ट करेगी उसके इसमें बी एग्जिस्ट नहीं करेगी, या बी एग्जिस्ट करेगी उसके इसमें वन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली थ्री फॉलोस इज द राइट आंसर, ओनली थ्री फॉलोस इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जल्दी से सिंप्लीफाई इसको कर दो, इसमें वो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगता है, मल्टीप्लाइंग कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, देखो यहां पे क्या हो रहा है, इसको पहले तो लिख लो 12 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस रूट 3, इसको पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, प्लस 18 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है ये ऐसे कर लेंगे सॉल्व। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाइंग डिवाइडेड बाय प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 से यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3 से यहां मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और इसका एक उपाय एक और भी है, इसका एक उपाय और भी है, क्या करो ध्यान से समझो, इसका एक उपाय देखो क्या है, इन दोनों का डायरेक्टली एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम क्या होगा 5 - 2, क्यों, इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 ही तो होता है, तो 5 आ गया, माइनस 3, तो यहां पे आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो देखो नीचे क्या आएगा 5 - 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 12 रूट 5 माइनस 12 रूट 3, एक तो ये आएगा प्लस 18 रूट 5 प्लस 18 रूट 3। अच्छा डिवाइडेड बाय तो 2 आ गया, ये 12 रूट 5 प्लस 18 रूट 5 कितना होता है भाई, ये आ गया 30 रूट 5, तो ये आ गया, ये देखो इसको मैंने ऐड कर दिया, -12 रूट 3 प्लस 18 रूट 3 कितना होता है, +6 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 15, ये आएगा 15 रूट 5 प्लस 3 रूट 3,
15 रूट 5 प्लस 3 रूट 3, ये आंसर आना चाहिए, 15 रूट 5 प्लस 3 रूट 3 राइट आंसर इज। इसमें देखो इन्होंने 3 कॉमन ले लिया, अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3 रूट 5 प्लस रूट 3 इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, डायरेक्टली एलसीएम लेके हो गया, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही आ गया आंसर, ये आंसर सही आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ए नहीं होगा, इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। इसको आप ढंग से एक बार सॉल्व करके देखो, कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो मैंने डायरेक्टली एलसीएम लिया, बी फॉर बॉम्बे आ गया आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। चलो एस टी यू कैन कंप्लीट अ वर्क, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से समझो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन और करेंगे आज हम, 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, 1 PM सारे के सारे अकाउंटेंसी की लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना, जितने भी डोमेन के प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे आ जाना वहां पे। CUET में डोमेन की तैयारी आपकी इसी चैनल के थ्रू हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हर एक चैप्टर के, हर एक डोमेन के हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। STU कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40, 48, 60 डेज रिस्पेक्टिवली, उनको 10,800 मिले टू कंप्लीट द सेम वर्क, दे बिगन वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, अच्छा टी लेफ्ट बिफोर 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड यू लेफ्ट 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, S has completed the remaining work. What is the share of S of the total money? देखो सबसे पहले तो इनकी efficiency निकालो, S, T और U, ध्यान से समझो, S, T और U, S कितना है 40 days में, ये 48 days में, ये 60 days में काम करता है, तो total work क्या होगा, total work इनका LCM हो जाएगा, total work इनका LCM, जैसे देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 12 into 5, इसको क्या लिख सकता हूं 12 into 4, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 into 2 into 10, ठीक है जी, तो 12 into 4, 48 into 5 कितना हुआ, 48 into 5, 8 5 40, 5 4 20, 240, टोटल वर्क 240 आएगा, जब टोटल वर्क 240 आ गया तो यू की एफिशिएंसी, मैंने क्या किया एलसीएम ऑफ, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे आया, मैंने क्या किया एलसीएम ऑफ 40, 48, 60 टोटल वर्क ले लिया, एलसीएम ऑफ दीस थ्री ले लिया टोटल वर्क, यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यू की एफिशिएंसी आ गई 4, टी की एफिशिएंसी आ गई 5 और एस की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एस की एफिशिएंसी आ गई 6, तो हमारे पास एफिशिएंसीज भी आ गई। अब दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, भाई उन्होंने 7 काम किया और ये जो 10,800 है ना ये उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं बटा, ये उस हिसाब से बटा कि उनकी उन्होंने काम कितना किया, ऑब्वियसली यार जो जितना काम करेगा उसकी एफिशिएंसी से बटेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पे व्हाट इज द शेयर ऑफ एस, एस का शेयर ये पूछ रहे हैं। अब तुम नॉर्मल बोलोगे अगर ये देखो, अगर ये स्टेटमेंट ना दी होती ना ये पूरी की भाई इन्होंने ऐसे काम किया, एस कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन, अगर ये स्टेटमेंट ना दी होती तो डायरेक्ट आंसर क्या आता, 6 डिवाइडेड बाय, एस का शेयर पूछा है ना, 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 कितना होता है भाई 15, 6 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 10 800, तो ये होता है एस का शेयर। बट ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि टी ने किसी टाइम के लिए काम किया, यू ने किसी टाइम के लिए काम किया, एस ने रिमेनिंग वर्क किया, ठीक है जी। स्टार्ट करें, ये आंसर नहीं होगा, आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, जैसे दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ओके एंड ऑफ द वर्क एंड यू लेफ्ट 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एस हैज कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। तो यार एक बात बताओ, एस ने तो पूरे वक्त, पहली बात तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ ये हमें समझना पड़ेगा, एस ने सारा काम किया मतलब वो लेट द टोटल डेज बी एक्स, लेट टोटल डेज बी एक्स, मतलब जो एस है ना वो तो एक्स डेज के लिए रहा होगा ना काम में, एस ने छोड़ के नहीं भागा, टी 2 दिन पहले छोड़ के भागा, यू 5 दिन पहले छोड़ के भागा, तो एस की एफिशिएंसी कितनी थी भाई 6 ने तो एक्स डेज काम किया, हर दिन 6 काम किया उसको तो बोलते हैं एफिशिएंसी, हर दिन कितना काम किया उसको तो बोलते हैं एफिशिएंसी, एस ने 6 काम किया एक दिन में, कितने दिन के लिए काम किया एक्स डेज के लिए, टी ने कितना दिन के लिए काम किया एक्स माइनस 2, भाई सिर्फ 2 दिन ही तो काम नहीं किया, 2 दिन पहले वो छोड़ के भाग गया, लेट द टोटल डेज इन विच द टास्क वॉज कंप्लीटेड बी एक्स, और यहां पे बोल रखा है यू लेफ्ट 5 डेज, अच्छा मैंने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, टी की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया, यू की एफिशिएंसी है 4, 4x-5, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क 240 कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो मेरे पास टोटल वर्क 240 कंप्लीट हो जाएगा, इससे यह पता लग जाएगा कि एस ने कितने दिन काम किया, फिर आपके पास एस ने कितने दिन काम किया, टी ने कितने दिन काम किया, यू ने कितने दिन काम किया, इनके काम की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद एक रेशियो निकल के आएगा एस टी यू का, उसके बेसिस पे एस का आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, अभी तक सब सही चल रहा है, इतना तो समझ आ गया होगा सबको, वेरी गुड,
240 आ गया, ठीक है। तो यहां पे जब तुम एनालाइज करने जाओगे इसको, जब तुम यहां पे एनालाइज करने जाओगे तो इसका आंसर आएगा 6x प्लस 5x माइनस 10 प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 240। 6x प्लस 5x 11x प्लस 4x कितना हो गया भाई 15x। 15x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30, वहां जाके प्लस 30 270। x की वैल्यू 18 आ गई, यस और नो? x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18, ठीक है। आगे मूव ऑन करें। x की वैल्यू जब 18 आ गई तो तुम्हें अब पता होना चाहिए भाई, एक बात बताओ, x की वैल्यू जब 18 आ गई, 18 इनकी एफिशिएंसी ये है, तो ये तो एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, ये तो एफिशिएंसी हो गई, बट s ने रियलिटी में काम कितने दिन किया? 18 दिन काम किया होगा। ये t ने कितना काम किया होगा? 5x माइनस 2, 5 into 16, इसने 16 दिन देश काम किया होगा, और यू ने 5 दिन कम काम, मतलब इसने 13 दिन काम किया होगा। यस और नो? यस और नो? इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो एक इक्वेशन निकल के आएगी। अब देखो, एस की एफिशिएंसी 6 है, टी की 5 है, यू की 4 है, और ये रियलिटी में नंबर ऑफ डेज है जितना उन्होंने काम किया, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे नहीं आएगा, 8 6 जा, ये कितना आ गया भाई 72, तो ये आ गया, ये कितना आ गया 6 5 जा 30 80, ये आ गया, ये कितना आ गया 4 3 जा 12 52, ये आ गया। यही तीनों को रेशो में जब तुम डिवाइड करोगे और 10800 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारे पास निकल के आएगा। तो इसको अगर रेशो में कन्वर्ट मैं करूं, फाइनली अगर मैं एस टी यू को 72 रेशो 80 रेशो 52 में कन्वर्ट करूं तो ये 4 से जा रहा है, ये देखो 4 1 4 4 8 18 4 2 0 4 1 3, तो कितना आ गया 18 रेशो 20 रेशो, ये हमने थोड़ा गलती कर दी, 8 6 48, ये थोड़ा गलती हमने कर दी, 8 6 48 6 108 आएगा, ये आएगा 108, तो s कितना आ गया 108। ये जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 7 27 रेशो 20 रेशो 13। एस टी यू को इस रेशो में ये पैसे, ये जो फाइनली पैसे है ना, ये जो फाइनली 10,800 है, इस रेशो में आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, तो यहां पे एस टी यू को इस रेशो में डिवाइड करने पड़ेंगे, तो एस का शेयर कितना होगा? एस का शेयर होगा भैया 27, क्योंकि एस का शेयर देखो 27 है ना, डिवाइडेड बाय, अच्छा 27 प्लस 13, 2 3 4 4 60 into 10 800, ठीक है जी। ये कितना आ गया 6 8 48 8 0 8 7 56 56 है किसी में, 6 है किसी में लास्ट में, राइट आंसर इज 4860 इज द राइट आंसर, 4860 इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 4860 इज एब्सोल्युटली राइट, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट, 4860 इज एब्सोल्युटली राइट। चलो भाई आ जाओ, होमवर्क क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, हमने काफी टाइम लिया इस क्वेश्चन के ऊपर, बट दिस वॉज वर्थ इट, करना बनता है, इसको स्किप मत करना, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर मेरे को चाहिए।